नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसका जो ओल्ड पेपर और प्रीवियस ईयर्स पेपर का जो पोर्शन है 30 नंबर का जीके एमपी जीके उसकी बात करेंगे जो लास्ट टाइम कैसा आया था। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था और यदि आपको एमपी हाई कोर्ट या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाली है इस टेलीग्राम चैनल के वहाँ से जाके आपके डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था 2017 में आपका जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था एमपी जीके और जीके का। तो देखते हैं सबसे पहले असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो इसमें आपका है आंसर है बुरहानपुर। तो आपका आंसर है बुरहानपुर। बात करते हैं नेक्स्ट है अमरकंटक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अमरकंटक आपका है अनूपपुर में, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, फिर आगे चल उज्जैन का प्रसिद्ध सिंहस्थ पर्व प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है, तो वो होता है आपका 12 वर्ष में। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो रेलवे कोच फैक्ट्री जो रेलवे के जो कोच होते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो वो बनते हैं आपके भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए भारत रत्न। भारत रत्न है जो कि आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है संसद का संयुक्त सत्र कौन आहूत कर सकता है, तो संसद का जो संयुक्त सत्र होता है वो राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है संचित निधि से भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है, तो वो होता है संसद का। जो आपकी संचित निधि होती है उससे जो भुगतान होते हैं उस पर जो संसद होती है वो नियंत्रण करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो किसके किनके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो वो बनवाया था अशोक ने। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इनने पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम, तो वो है आपके चक्रवर्ती श्री गोपालाचार्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है चित्रकूट का जलप्रपात किस नदी पर निर्मित होता है, तो वो है आपका इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के खून का ग्रुप ए बी है, वह किस व्यक्ति को खून दे सकता है, तो वो दे सकता है ए बी वाला, ए बी ग्रुप को ही खून दे सकता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर स्थित है, तो वो है आपका लोहित नदी पे। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो वो होता है संसद के दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा, जो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा आपका जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो होता है। नेक्स्ट है टोडरमल का संबंध है, तो टोडरमल थे आपके, वो उनका संबंध था वित्त से। ठीक है, नेक्स्ट है वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है, तो वो होती है आपकी 206। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 31। ये मैं पिछला डाटा बता रहा हूँ, ठीक है, अभी चेंज हो चुकी है, आप करंट डाटा पढ़ के जाना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे आपके न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट है भारत का सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किस वर्ष किया गया था, तो वो किया गया था 1974 में। नेक्स्ट है भारत में सती प्रथा किसने बंद की थी, तो वो की थी आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 21 जून। नेक्स्ट है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है, तो वो होता है 6 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट है भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो होता है आपका मध्य प्रदेश में, जिसको मलाजखंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है, तो अभी ये आपका आंसर है 29 और 7, ये पिछला डाटा है, अभी चेंज हो चुका है। ठीक है, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो वो है आपकी नेपाल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस राज्य में सर्वाधिक चाय बागान है, तो वो है आपके आसाम में। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, तो वो है आपके गेहूँ, जो आपके होली समथिंग मार्च में होली आती है तो होली समथिंग आपके गेहूँ काटे जाते हैं।
तो ये मैंने आपको जीके और एमपी जीके के आपको मैंने 30 क्वेश्चन करवा दिए जो ओल्ड पेपर और प्रीवियस ईयर्स पेपर में आए थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 2017 वाली भर्ती में। आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, इसका पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।